हेलो फ्रेंड्स, अनामिका चंद्रा के कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। फ्रेंड्स, अभी ठंड काफ़ी है तो हम लोग शाम में चाय के साथ तरह तरह का पकौड़ा ही खाना पसंद करते हैं। तो चलिए ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 4 आलू को बॉयल करके, छील करके और मैश कर लिया है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने कर लिया है। और एक प्याज को मैंने बारीक कट किया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और ये हरी मिर्ची। और ये मैंने वाइट ब्रेड लिया है, ब्रेड को मैंने साइड साइड से कट कर दिया है। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग रिफाइंड ऑयल डालूंगी। ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं ये लहसुन डालूंगी। इसे फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, हल्का सा इसे भून लूंगी मैं ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसी स्टेज में मैं अब प्याज डाल दूंगी। मिर्ची भी डाल देती हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे प्याज में गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम लोग 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च 1/4 छोटी चम्मच, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी ये धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, बहुत कम डालेंगे। और 1/4 छोटी चम्मच हम लोग काली मिर्च पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे सबको अच्छे से। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स अभी स्लो कर देंगे, नहीं तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा। अब इसी स्टेज में मैं आलू डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मूंगफली फ्राई करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम लोग भूनेंगे अच्छे से। बहुत देर नहीं लगता है इसको भूनने में, लगभग 1 मिनट तक हम लोग इसे भूनेंगे। ये हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकालूंगी, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी इसी स्टेज में मैं धनिया पत्ता डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। अब मैं इस ब्रेड को पानी में ऐसे डिप करूँगी। और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल लूँगी। और ये आलू जो मैंने बना के रखा है इसका इस तरीके से छोटा छोटा बॉल बनाऊँगी ऐसे। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी और इसको अच्छे से फोल्ड करूंगी। इसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए हम लोग फोल्ड करेंगे। ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, ये एक हमारा बॉल बन के रेडी हो गया है। इसे मैं एक प्लेट में रखूंगी। सारे ब्रेड का हम लोग ऐसे ही बना लेंगे।
ये मैंने सारे ब्रेड का इस तरीके से बॉल बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम लोग गैस की तरफ चलते हैं, इसे हम लोग फ्राई करेंगे। ये मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अब जब हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम लोग एक एक बॉल को इसके अंदर डालेंगे। ये हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। अब मैं एक बॉल डालूंगी, ये दूसरा बॉल भी डालूंगी। बस तीन बॉल मैंने डाल दिया। अब तीन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर चार और मेरा बचा हुआ है वो मैं फ्राई कर लूंगी। मैं इसे पलट देती हूँ, गोल्डन कलर आने तक फ्रेंड्स इसे हमने फ्राई कर लेना है। ये मैंने इसे पलट दिया और गोल्डन कलर आने तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर आ चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। एक टिश्यू पेपर पे निकालूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। फ्रेंड्स आप देखिए इसमें कितना सुंदर कलर आया है। सेम प्रोसेस से बाकी सबको भी मैं फ्राई कर लूंगी। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है, अब हम लोग इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है, खाने में भी ये इतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम लोग इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व करूंगी। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं या रेड चटनी भी बना सकते हैं। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।